ऐसे कोई हदीस है जैसे कि दज्जाल के फितने के टाइम पे कि उलामा और जो औरतें हैं ज्यादा बैत करेंगे दज्जाल को, ऐसे कुछ लोग अफवाह फैलाते मतलब ऐसे बात बोलते हैं, कोई हदीस है ऐसा? जिसको क्या फरमाया भाई ने? असल में पड़ोस मुल्क के कुछ ब्रदर्स हैं शेख जो बड़े जोर और शोर से ये बात फैलाते हैं कि जब दज्जाल दुनिया में आएगा तो उसकी पैरवी करने वाले लोग सबसे पहले पैरवी करने वालों में औरतें और उलमा होंगे जो दज्जाल की पैरवी करेंगे। देखिए भाई, अभी दज्जाल नहीं आया है और हमको और आपको चाहिए कि हम खुद सबसे पहले कोशिश करें कि हम नेक रहें और अल्लाह ताला से ये भी दुआ भी करते रहें कि अल्लाह ताला हमें दज्जाल के फितने से बचाए। जैसा कि नमाज के की दुआओं में से एक दुआ ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में तशहुद में चार चीज़ों के से पनाह मांगते थे, उन्हीं चार चीज़ों में से एक जो है दज्जाल का फितना है। तो हम दज्जाल के फितने से पनाह मांगे और वो उलमा को बहकाएगा कि औरतों को बहकाएगा, ये सारे फितने जो लोग फैला रहे हैं उसको आप नजरअंदाज कीजिए, बस आप दज्जाल के फितने से पनाह मांगिए। असल में मसला ये है ना शेख, बाकायदा इसको हदीस कह करके जिक्र करते हैं, जैसे एक बहुत बड़ी बात जिक्र कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी हदीस जिक्र कर रहे हैं और फिर लोगों को ये बताते हैं कि उलमा ऐसे और... ऐसे लोगों को लोग सुनते ही क्यों हैं? देखिए ये जो इल्म है ना, ये इल्म है, ये दीन है। बाज सलफ का कौल है ये जो इल्म है ये दीन है। तो आप ये देखो कि आप अपना दीन किससे ले रहे हो, आप क्या ऑथेंटिक लोगों से अपना दीन ले रहे हो? तो किसी को भी जो यूट्यूब पर मशहूर हो जाए, फेमस हो जाए, जिसके जो है सब्सक्राइबर ज्यादा हो, व्यूज ज्यादा मिलते हो, आप हर उस शख्स को क्यों सुनने लगते हैं? आप जो ऑथेंटिक उलमा है, मोतबर उलमा है, उनको सुने।